एक बात सच सच बताएं, हम थिएटर देखने नहीं है, हम सिर्फ काजल को देखें। तो ड्यूटी पड़ा है, ड्यूटी छोड़ के हम लोग सोचते हैं थिएटर देखेंगे। ड्यूटी छोड़ के? हाँ, ड्यूटी छोड़ के सोचते हैं खाली थिएटर देखने के लिए आए हैं दिल्ली से। मेरे भाई की तरह ना कि ना, ना उससे हमको मतलब नहीं भाई, सब आते हैं, कोई भी थिएटर आदमी देखेगा, थिएटर देखने के लिए दिल्ली से आए, समझे? देखने का शौक होता है, ठीक है, और शौक पूरा अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, मरने के बाद थोड़ी करेगा, जिंदा है तो आदमी शौक। कार्यक्रम बगल में हो रहा है, अरे वो कौन देखे, देखिए ना कौन आदमी है वहाँ। पूरा करने मतलब देखने आया हूँ, ये नहीं कि मैं किसी का प्रेम का हूँ या मैं प्रेमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेला है तो हम लोग घूमने आए हैं, ठीक है, और मैं इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से, जो दर्शक अपने देखने के लिए आ रहे हैं उनको अगर वो नहीं मिलेगा तो बोलेंगे इतना बड़ा मेला में हमको जो चीज चाहिए था। मनीष, और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन, सोनपुर का मेला या यूं कहें छत्तर का मेला, स्थानीय लोग इसे छत्तर का मेला के नाम से ही जानते हैं। प्रत्येक साल इस जगह पे थिएटर तरह तरह के लगते हैं, लेकिन इस बार जो है पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है थिएटरों के अनुमति नहीं दी गई है, जिसके लेकर के कल थिएटर के मालिक और स्थानीय जितने भी दुकानदार हैं सभी प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो थिएटर घूमने के लिए आए थे, लेकिन इनके हाथ निराशा हाथ लगा क्योंकि थिएटर बंद है और ये वापस जा रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या वजह है जिसके लेकर के आप लोग। वजह है कि हम लोग डेली आते हैं, बोलते हैं आज लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, डेली 7 बजे लगेगा, 8 बजे लगेगा, डेली ऐसा ही हो रहा, 6 दिन हो गया अभी तक, 6 दिन से 6 दिन हो गया अभी तक लगा नहीं है थिएटर। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि लग जाएगा जल्दी, तो हम लोग देखेंगे, वह क्या करें, लग भी नहीं कर रहा, लग नहीं रहा, नहीं लग रहा। ये लोग कल बताइए, हम लोग ड्यूटी पड़ा है, ड्यूटी छोड़ के हम लोग सोचते हैं थिएटर देखेंगे। ड्यूटी छोड़ के? हाँ, ड्यूटी छोड़ के सोचते हैं थिएटर हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं ना कि ड्यूटी छोड़ के ब्यूटी देखने के लिए आते हैं, क्या कीजिएगा, हर इंसान को हर चीज का ही होता है, समझे? देखने का शौक होता है, ठीक है, और शौक पूरा अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, मरने के बाद थोड़ी करेगा, जिंदा है तो आदमी शौक पूरा कर लेगा। बहुत लोग कह रहा है हम काजल को देखने आए हैं, काजल का ब्रांडिंग भी हो रहा है, पोस्टर वगैरह भी लगाया गया है, वो सही है। आप किसको देखने? आप देखिए, अब जो लगेगा वो तो देखना पड़ेगा, लाजिम ना, लास्ट में जिसको भी दिखा दे उसको देख, मैं देख लेगा, मुश्किल नहीं है, मैंने काजल हो या कोई भी हो बस देख लेगा, सिर्फ देखना। हाँ, देखना। और इसके लिए दुकान आप छोड़ के आए? हाँ, काम छोड़ के आया हूँ मैं, पेंट का काम करते हैं अभी तक, जब काम छोड़ के हम सोचे नाइट में काम करें, बोले चलते आप थिएटर उटर लग गया हो तो देखेंगे, क्या करें, लग भी नहीं कर, आजकल हो रहा है। चलो भाई बताओ तो क्या कहेगा, थिएटर बंद है? हम एक बात सच सच बताएं, हम थिएटर देखने नहीं है, हम सिर्फ काजल को देखने आए, काजल को देखने बस। लेकिन काजल को तो दिखाया ही नहीं जा रहा, बस यही तो टेंशन है, हम सिर्फ काजल को देखने आए और किसी को देखने नहीं आए, उनका बहुत बड़ा फैन है हम। हाँ, काजल के राजगीर के बाद से फैन हो गए हो? हाँ, राजगीर के बाद से, राजगीर मलमास, राजगीर मलमास मेला में भी हम घूमने गए थे, उनको भी देखे थे, हम वहीं से उसका फैन हो। कहाँ देख लिया राजगीर? कहाँ देख लेने, आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पर देखिएगा काजल का, मतलब हर वीडियो पर देखिएगा, ठीक, हर वीडियो पर मिलियन प्लस लाइक होगा, ठीक है, हम काजल का ही फैन, इसलिए हम यहाँ आए सोनपुर मेला, हम यहाँ से नहीं, हाजीपुर के सबसे लास्ट से आए हैं देखने के लिए, लेकिन निराशा पर निराशा है। क्या कहोगे स्थानीय प्रशासन के और पर्यटन विभाग से? कुछ नहीं, देखिए हम कुछ नहीं कहते, हम सिर्फ ये बोल रहे कि ये शोभा सम्राट थिएटर, ठीक है, उसमें काजल आने वाली है, ठीक है, तो शोभा सम्राट थिएटर को एक दिन के लिए नहीं, एक दो दिन के लिए स्टार्ट कर दिया, क्योंकि काजल को जितना भी लोग आए हुए हैं देखने के लिए, वो सब काजल को देखें, उनका भी दिल हो, उसके बाद निकल, एक दो दिन भी चालू कर, एक दो दिन भी चालू, ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन हो गई है काजल का। नहीं, वो बात नहीं है, ऑक्सीजन तो पूरा वर्ल्ड में है, ऐसा बात नहीं है, पर काजल देखिए, काजल से इसको प्रेम हो गया है ना? नहीं, वो बात काजल नहीं से प्रेम हो काजल गया, काजल से प्रेम का बात नहीं है, चाचा तो कह रहे हैं काजल से प्रेम नहीं, वो बात नहीं होगा, भी कहा नहीं होगा, नहीं युवा एंजॉय करने आया, क्या चीज भैया, क्या चीज करने के लिए? मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं यहाँ वैशाली जिले का मैं रहने वाला हूँ, तो मैं आया था, मैंने सोचा कि मैं आऊंगा थोड़ा एंजॉय करने, मुझे किसी का शौक नहीं है, मतलब सिर्फ अपना शौक पूरा करने, मतलब देखने आया हूँ, ये नहीं कि मैं किसी का प्रेम का हूँ या मैं प्रेमी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेला है तो हम लोग घूमने आए हैं, ठीक है, और मैं इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश से घूमने के लिए? जी बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे लोग काफी दूर दूर से आए हैं, ठीक है, इसी मेला का एशिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, ठीक है, और यहाँ के लोग, बिहार की जो सरकार है, हमारे जो माननीय जो ये क्या नाम है इनका, नीतीश जी जो हमारे हैं, और परमिशन नहीं दे रहे, किस कारण से नहीं दे रहे, उसके बारे में इन्हें देखना चाहिए, कुछ आगे पीछे सोचना चाहिए कि लोग हैं, आते हैं एंजॉय करने, कोई वहाँ घर छोड़ करके या कहीं से कोई ड्यूटी करता हो, कोई बिजनेस छोड़ कर, सब कोई आते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। तो थिएटर ना लगने की वजह से आप लोग नाराज हैं? नाराज क्या है, जब आदमी जब आया है तो अगर उसका शौक ना पूरा हो तो बेकार है वो। आप चाचा दिल्ली से आए हैं, किसको देखने के लिए? खाली थिएटर देखने के लिए आए हैं दिल्ली से। मेरे भाई की तरह ना कि ना उससे हमको मतलब नहीं भाई, सब आते हैं, कोई भी थिएटर आदमी देखेगा, थिएटर देखने के लिए दिल्ली से आए हैं कल हम लोग। थोड़ा तरह तरह की बातें करते हैं थिएटर को लेकर के, क्या ना ऐसा कुछ नहीं है, अब डांस हो रहा है, पहले होता था, अब ये सब कुछ नहीं है, पहले होता था, अब रात भर का प्रोग्राम होता है, लोग टाइम पास करता है अंदर,
रात में कहाँ जाएगा मेला घूम के। हाँ, ये बात तो पूरे रात होता है, 7 बजे से 5 बजे सुबह तक देखता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बगल में हो रहा है। अरे वो कौन देखे देखिए ना, कौन आदमी है वहाँ। सांस्कृतिक हर आदमी नहीं देख सकता ना। और आपको अगर रोटी चावल खाने का मन होगा तो कोई पनीर आपको देगा तो नहीं खाएंगे ना, नहीं खाएंगे। इसकी वजह यही होती है कि इंसान को जो पसंद होगा वही देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रंग कार्यक्रम होता है तो रंगारंग देखेगा लोग ना। लड़का कुछ और मनोबल बढ़ा देता है रंगारंग। थिएटर का बातें अलग होता है ना। यानी तो अगर नहीं, अभी थिएटर 6 दिनों से लगा है, प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं मिली है, तो काफी नाराज आप लोग दिख रहे हैं। क्योंकि बात अगर की जाए भी तो रौनक बनता भी थिएटर से, लेकिन मेला है, थिएटर से तो मेला है ना, परमिशन देना चाहिए। दिक्कत हो रहा है, थिएटर वाला का भी नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये लोग कल प्रदर्शन करने के लिए। हाँ, करेगा लोग। ऐसा सरकार को लग रहा है कि ऐसा कुछ गलत काम अगर हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटी लगाए ना यहाँ पे। नहीं नहीं, प्रशासन भीड़ की वजह से ऐसा कर रही है। फिर वही बात, भीड़ की वजह से कहाँ हो रहा है, क्या भीड़ की वजह से हो रहा है? ऐसा है तो भीड़ तो लगना, जब थिएटर लगेगा नहीं तो भीड़ कहाँ से होगा? वो बेचारा 25 लाख रुपए का अगर जमीन में अगर लगा रखा है तो वो देगा कहाँ से, जब कमाएगा नहीं है लोगों से? कोई अपने घर से तो देगा नहीं, घर बेच के तो देगा नहीं भाई। वो भी इतना बड़ा जमावड़ा फैला रखा है तो यहाँ लोग पैसा लगा होगा, कोई ऐसे फ्री में तो लगा नहीं है, तो उसकी भी तो नुकसान होगा। कलाकार आएंगे वो भी पैसा लेंगे, सब तो पैसा ही लेंगे ना। तो जब लोग जब यहाँ यहाँ से आए, सिवान जिला मैरवा से, किसको देखने आए थे? अरे हम तो आए थे थिएटर ही देख रहे, वो थिएटर चालू ही नहीं। अरे तो बोलिए ना भाई, शर्मा कह रहे हैं, आपको तो गरमाना चाहिए, आप शर्मा रहे हैं। किसको देखने आए थे? अरे आए थे देख रहे, उन्हें लगा लगे दिल्ली गर्ल क्या चीज क्या चीज लिखल है, उसको देखने आए थे का? हाँ हाँ, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि आखिर थिएटर के बंद होने से कितना निराशा इन्हें लगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो सोनपुर का मेला थिएटर के बिना ऐसे भी ऐसा लगता है कि वीरान सा हो गया, सुनसान सा हो गया, लेकिन आज थिएटर पूरी तरह से 6 दिनों से बंद है। युवा काफी नाराज दिख रहे हैं, क्या वजह है जिसके लेकर के आपको लगता है? वजह तो भैया आप थिएटर वाले ही बताएंगे या फिर प्रशासन वाले बताएंगे। हम तो वैसे थिएटर देखने के लिए आए हुए हैं 5 दिन से, मतलब कि होटल रूम रेंट अभी जब भी होटल में रह के आदमी कर रहा है। कहाँ से आए आप? बेतिया जिला से। इससे पहले वहाँ लगा हुआ था दशहरा का मेला, वहाँ लगता है तो वहाँ 30 का 30 पूरा, क्योंकि ठेकेदारी वहाँ पे हम ही लोग का था, चाचा अंकल लिए हुए थे, तो डेली जाना आना था। तब यहाँ पे आया तो यहाँ पे आने के लिए सोचा आदमी तो थिएटर देखने के लिए, तो 5 दिन पहले आया कि रहेगा यहाँ पे, घूमेगा फिर पूरा मेला घूमेगा, आया कि देखेगा आज नहीं खुलेगा कल खुलेगा, ऐसे करते हैं। तो क्या फिर क्या कहेंगे आखिर? बहुत लोग तो कह रहे हैं कि हम काजल को देखने आए हैं, तो कोई कह रहे हैं कि हम दिल्ली के दिल्ली गर्ल, क्या लिखा हुआ खुशी है, रेखा का है, सब उस सबका नाम तो आदमी जानता है। हाँ। जितना थिएटर में लड़के लोग 50% आदमी नाम जानता ही है, ठीक है तो, क्योंकि वहाँ से पिछला साल के यहाँ से आया लो तो डायरेक्ट यहीं पर आया लो ना। तो युवा काहे नाराज हैं? युवा नाराज इसलिए कि जो दर्शक अपने देखने के लिए आ रहे हैं उनको अगर वो नहीं मिलेगा तो बोलेंगे इतना बड़ा मेला में हमको जो चीज़ चाहिए था वो नहीं मिला। मतलब क्या चीज़ चाहिए था? वो पैसा जो लुटाता? हाँ, थिएटर। अब जैसे ठेकेदारों लोग दारू पियेंगे, उसको तो पता भाई मोटा पैसा रखा हुआ ऐसे लुटाएगा, हम लोग बस कौन मर रहा है कि उतना मोटा लेके देंगे हाई लो का, सही बोले गलत? हमारे पास बस टिकट का होगा, टिकट कटा के बैठेंगे, सिगरेट पियेंगे, जो स्मोकिंग है वो कर सकते हैं, या फिर होगा तो मान 500-1000 रुपये दे दिए, वही ना वो मनोरंजन के लिए आता आदमी। अब थिएटर बंद है तो कहाँ से आदमी घूमे, वहाँ घूमने फिरने वाला झूला है तो सारा आदमी झूल लिया, बस इसके लिए रुका हुआ है कि कब खुले, तो आज खुले कल खुले। अगर लगता है कि परमिशन मिलेगा अभी? अभी तो प्रशासन, जिला प्रशासन ही बताएंगे इधर की बात, तो जानकारी तो क्या लेना पड़ेगा। हाँ, अभी यहाँ सुनने में आएगी डेली परमिशन लेना पड़ता है, महीना का नहीं है, डेली परमिशन लेना पड़ता है। तो ये थे स्थानीय लोग जो जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं दिल्ली से आया हूँ, कुछ लोग यूपी से आए हैं, कुछ लोग बेतिया यानी स्थानीय आसपास के जिले से भी आए हैं। इनका सीधे तौर पे कहना कि मैं थिएटर घूमने के लिए आया था, मस्ती करने के लिए आया था। कुछ युवा तो यहाँ तक कह दिए कि दुकान बंद कर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि काजल को देखे और रेखा को देखे, लेकिन क्या करें, 6 दिनों से लगातार बंद है थिएटर, जिसके वजह से हम लोग मायूस होकर के वापस घर चले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि स्थानीय प्रशासन कब अनुमति प्रदान करती है, क्योंकि कल जो है पूरी तरह से सोनपुर का जो मेला है वो बंद रहेगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।